नया साल टिन प्लेट कर्मचारियों के आश्रितों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। नया साल 2021 में कंपनी के 150 कर्मचारी पुत्र नियोजित होंगे, इस पर प्रबंधन ने हामी भर दी है। इसे लेकर यूनियन के साथ आश्रित कर्मचारी संघ वर्षों से आंदोलनरत था। कंपनी में आज भी आश्रित कर्मचारी पुत्रों की संख्या हजारों में है। कंपनी में काम करने के इच्छुक आश्रित पुत्र यहां आवेदन दे सकते हैं। टिन प्लेट कंपनी का विस्तारीकरण जारी है। कुल 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसे अगले साल तक पूरा करना है। कोरोना काल को लेकर प्रोजेक्ट का काम अधूरा पड़ गया है, ऐसे में अब नए साल में ही प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा। टिन प्लेट में CRM व ATA का 2-2 प्लांट है। इसका विस्तारीकरण कर एक एक और नया संयंत्र का लगाने की योजना है। एक साथ तीनों प्लांट लगाने के बाद उत्पादन बढ़ जाएगा, फिर इन प्लांटों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। कर्मचारी पुत्रों को नियोजित करने को लेकर वर्षों से आंदोलन चल रहा था, ऐसे में बीते दिनों में उप श्रमयुक्त कार्यालय में समझौता हुआ, जिसमें ठेका मजदूरों की जगह आश्रित पुत्रों को काम पर रखने की सहमति बनी है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।